मेरे प्राण मेरे पिताजी के आदर्शों में समाये हुए हैं और मैं उनके क्षत्रिय धर्म को निभाता रहूंगा। बेटा, योद्धा बनना आसान नहीं है, परंतु अगर तुमने तपस्या और संकल्प सीख लिया है तो तुम असीम शक्ति का प्रमाण बन सकते हो। मैंने स्वर्ग को अपना घर बनाया है और इसीलिए मैं आज तक जिंदा हूं। मेरी कहानी सिर्फ एक योद्धा की कहानी नहीं है, बल्कि एक विश्वास का प्रमाण है जो कि अब तक अधूरा है। मैं जिंदा हूं क्योंकि मेरे अंदर मेरे पिता का विश्वास है और उनकी आत्मा का साथ है। मेरे पास अमृता का रहस्य है और मैं इसका उपयोग अपने देश और धर्म की रक्षा के लिए करूंगा। पुत्र अश्वत्थामा, तुम अधर्मी नहीं बन सकते, तुम्हें धर्म का साथ देना ही होगा और इस विश्व को अधर्मियों से मुक्त करवाना होगा।